यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अगस्त को तीर्थ नगरी वृंदावन आएंगे। सीएम के आगमन से पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने को यहां वरिष्ठ अधिकारियों के आने का दौर जारी है। पिछले दिनों जहां प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, वहीं आज कमिश्नर राममोहन राव और डीआईजी लव कुमार जनपद के अधिकारियों के साथ अक्षय पात्र स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम के कार्यक्रम स्थल के साथ साथ हेलीपैड पर की जा रही तैयारियों का गहनता से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अक्षय पात्र के बाद अधिकारियों का काफिला नगला रामतल के समीप बने महिला आश्रय सदन पहुंचा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 को वृंदावन आ रहे हैं। यहां वह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम योगी रामतल के समीप बने नव निर्मित 1000 बेड वाले महिला आश्रय सदन कृष्णा कुटीर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के दृष्टिगत बुधवार को मथुरा पहुंचे कमिश्नर के राममोहन राव, डीआईजी लव कुमार बारिश में भीगने के बावजूद शाम को जिलाधिकारी सर्वर्ग राम मिश्र और एसएसपी बबलू कुमार के साथ अक्षय पात्र पहुंचे। कार्यक्रम स्थल से लेकर संपूर्ण परिसर में घूमकर व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने सीएम के आवागमन वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के अधीनस्थों को निर्देश दिए।